स्वागत है आपका। तो पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, पाचन तंत्र का जो पहला भाग है वो है माउथ। यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेगा देखिए। माउथ जो पाचन तंत्र का या आहार नाल का जो पहला भाग है, जहां से भोजन के पाचन की शुरुआत होती है, देखिएगा माउथ को माउथ कैविटी या फिर ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी भी कहते हैं। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा भी कहते हैं। मुख का मतलब मुख हो गया और गुहा का मतलब हो गया खाली स्थान। यहां से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे देखिए। एक शब्द लिखा हुआ बोलस। मुंह में जो भोजन का पाचन होता है उसे बोलस कहते हैं, ठीक है ना। मुख में जो भोजन का पाचन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब देखिएगा, मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। नंबर एक पैरोटिड लार ग्रंथ, नंबर दो सब लिंगुअल लार ग्रंथ और नंबर तीन सब मैंडिबुलर लार ग्रंथ, ठीक। इसमें से सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड लार ग्रंथ। ये मुख की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही ग्रंथि सांप में जहर छोड़ती है, ठीक है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद और भी देखते हैं। मुख में, ठीक है ना, जो लार होता है, ठीक है, वो लार जो होती है उसमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो मुख में चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर एक लाइसोजाइम, नंबर दो डायलिन, नंबर तीन डाइस्टेज और नंबर चार म्यूकस, ठीक। जिसमें लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुनाशी, यानी जीवाणुओं का भक्षण करना, यानी जीवाणुओं को नष्ट करना, किसका काम है? लाइसोजाइम। इसके अलावा आप देख रहे होंगे टाइलिन और डाइस्टेज, इसका काम है स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट का दूसरा रूप है स्टार्च, और मड यानी कि चोकर, जो आटे में बचता है चोकर, उसका पाचन करना, किसका काम है? टाइलिन और डाइजेस्टेज का। इसके अलावा जो म्यूकस है, इसका काम है भोजन को चिपचिपा बनाना, ठीक है ना। चलिए ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम आहार नाल के दूसरे भाग की। ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये है ग्रास नली। ये ग्रसनी नहीं है, ये है ग्रास नली। ग्रास नली और ग्रसनी में क्या अंतर है? देखो, ग्रसनी जो होती है वो विंड पाइप होती है। ग्रसनी विंड पाइप होती है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रास नली होती है वो होती है फूड पाइप। तो ये दोनों में अंतर हो गया। अब देखिएगा, ग्रास नली को ओएसोफेगस भी कहते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें क्रमांकुचन होता है, यानी कि प्रिस्टलेसिस। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रिस्टलेसिस, यानी क्रमांकुचन होता है। भोजन को ढकेलना यानी धीरे धीरे ढकेलना, इसको बोलते हैं क्रमांकुचन। अगर क्रमांकुचन ना होता तो भोजन यहां से डायरेक्ट पेट में गिरता, ठीक है ना। तो अब ये क्रमांकुचन में होता क्या है कि भोजन धीरे धीरे नीचे आता है, पेट में धीरे धीरे आता है, तो उस स्थिति को बोलते हैं क्रमांकुचन, यानी भोजन को ढकेलना। ये हो गया ग्रास नली से संबंधित, ठीक। अब ग्रास नली के बाद आता है बात पेट की, है ना। ग्रास नली से भोजन किस में आ गया? पेट में आ गया। अब पेट यानी कि स्टमक, यानी कि आमाशय, स्टमक है ना, 4 घंटे, ठीक। पेट में भोजन कितने देर तक रहता है? 4 घंटे तक रहता है, ठीक। अगर ये पूछा जाए कि आहार नाल के किस भाग में भोजन सबसे अधिक समय तक रहता है, तो वो रहता है आमाशय में, 4 घंटे तक रहता है, ठीक। अब यहां से देखिएगा, आमाशय से यानी स्टमक से और क्या क्या प्रश्न बनेंगे। आमाशय को 3 भाग में बांटा गया, देखिए इसका पहला भाग है। आमाशय को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर एक कार्डियक, नंबर दो फांडिक और नंबर तीन पायलोरिक। पेट को कितने भागों में बांटा गया? 3, कार्डियक, फांडिक और पायलोरिक, ठीक। कार्डियक का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करना, ठीक। इसके अलावा फांडिक में क्या होती है? रोजी। ये जो कांटे नुमा संरचना है इसको बोलते हैं रोजी, ठीक।
रोजी का काम होता है भोजन को रोक के रखना, ठीक। इसके अलावा देखिएगा, रोजी जब खाली पेट होता है, जब भूख ज्यादा लगती है, तो यही जो कांटेनुमा संरचना होती है, कांटेनुमा संरचना होती है, ये पेट में गड़ने लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया रोजी, रोजी का काम है भोजन को रोक के रखना। इसके अलावा अब बात करते हैं पेट के तीसरे पार्ट की, पाइलोरिक, ठीक। पेट का जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, पाइलोरिक। इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथ। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथ, यानी जठर रस। जो जठर ग्रंथ के द्वारा जठर रस निकलता है, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। ये एंजाइम कहां से निकलती है, जठर रस के द्वारा निकलती है, पेट के तीसरे भाग से, यानी कि पाइलोरिक से, ठीक। समझते रहिएगा, टू द पॉइंट। रेनिन एक एंजाइम है जो जठर ग्रंथ के द्वारा निकलती है। काम क्या होता है इसका, ये दूध को दही बना देती है। जो भी हम दूध लेते हैं उसको दही बना देती है। छोटा बच्चा पीता है दूध, लेकिन पलटी क्या करता है, वो दही पलटी करता है। तो दूध को दही बनाने का काम कौन करता है, रेनिन। और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स को पचाने का काम करता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब देखिएगा, पेट से भोजन अब आएगा छोटी आंत में, ठीक है। अब हम बात करेंगे छोटी आंत में, पेट से भोजन किस में आएगा, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है, पूरी तरीके से भोजन कहां बचता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत को बोलते क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत। इसी को पचौनी भी कहते हैं, है ना, पचौनी, यानी कि भोजन को पचाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं पचौनी। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। छोटी आंत जो होती है वो तीन भागों में बटी होती है। पहला भाग होता है डियोडेनम, या इसको बोलते हैं पक्वाशय, या इसको बोलते हैं गृहिणी। तो छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है, वो है डियोडेनम। छोटी आंत का दूसरा भाग क्या है, जेजिनम। और छोटी आंत का तीसरा पार्ट क्या है, इलियम। क्या बोलेंगे, इलियम, ठीक। तो छोटी आंत के तीन भाग हो गए, डियोडेनम, जियोजिनम और इलियम, ठीक। अब देखिएगा, छोटी आंत का जो पहला भाग है वो डियोडेनम है। यहां से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। छोटी आंत के किस भाग से हार्मोन निकलता है, वो डियोडेनम से, यानी पक्वाशय से। एक निकलता है सिक्रेटिन और दूसरा निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। कहां से निकलता है, ये छोटी आंत से निकलता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, जो सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है, ठीक है, ये अग्नाशय को उत्तेजित करता है ताकि वो एंजाइम सिक्रेट कर सके, ठीक है ना। सिक्रेटिन हार्मोन्स अग्नाशय को उत्तेजित करता है ताकि वो एंजाइम सिक्रेट कर सके, ताकि भोजन का पाचन जल्दी से जल्दी हो सके। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स है, ये पित्ताशय को उत्तेजित करता है कि पित्त जल्दी जल्दी छोड़िए, ठीक, ताकि भोजन का पाचन छोटी आंत में आसानी से हो सके। तो सेक्रेटिन हार्मोन्स का काम अग्नाशय को उत्तेजित करना कि ताकि वो एंजाइम सिक्रीट करे जल्दी जल्दी, और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स पित्ताशय को उत्तेजित करेगा ताकि वो पित्त फटाफट जो है छोड़े, ताकि जल्दी से जल्दी भोजन का पाचन हो सके, ठीक। अब ये जियोजिनम, जियोजिनम का काम क्या होता है, जियोजिनम का काम होता है भोजन को फैलाने का काम करता है, ताकि जितने भी एंजाइम है वो आसानी से भोजन में मिल सकें। ये काम है जियोजिनम का। अब बात करते हैं छोटी आंत की तीसरी पार्ट जो है वो है इलियम। क्या है, इलियम। इलियम में होती है विलाई। विलाई का मतलब जो अंगुली जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं विलाई, ठीक। विलाई का काम क्या होता है, भोजन का अवशोषण करना, ठीक है ना। भोजन को अवशोषित करने का काम कौन करता है, वो करता है विलाई। इलियम में क्या पाई जाती है, विलाई, जो अंगुली जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं विलाई। यही भोजन को अवशोषित करती है। तो छोटी आंत के किस भाग में भोजन, ठीक है, अवशोषित होता है, तो वो विलाई में होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया छोटी आंत की, ठीक। अभी ग्रंथियों की बात नहीं हुई है, ग्रंथियां अभी पड़ी हुई है, अभी बाद में चर्चा करते हैं। छोटी आंत के बाद देखिएगा, जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत आकर के मिलती है उसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं, ठीक। और देखिएगा, जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक। और बड़ी आंत के जो भाग होते हैं उसके तीन भाग होते हैं, एक दो तीन एक चार, सॉरी चार भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है जो सीधी जाती है, इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलम।
और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, है ना, यानी कि क्षैतिज कोलन। और जो तीसरा होता है वो होता है डिसेंडिंग कोलन, जो नीचे की तरफ आती है। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं सिग्माइड कोलन, है ना, जो कई खंडों में बटी होती है। तो अगर ये पूछा जाए कि छोटी आंत के कितने भाग हैं, तो छोटी आंत के तीन भाग हैं, डियोडेनम, जियोजेनम और इलियम। अगर ये पूछा जाए कि बड़ी आंत के कितने भाग हैं, तो बड़ी आंत के चार भाग हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बड़ी आंत का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। भोजन का पूरी तरीके से पाचन छोटी आंत में हुआ, बड़ी आंत में क्या हुआ, जल का अवशोषण हुआ, इतना समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ग्रंथियों की, ठीक। देखिए, जो पेट में भोजन पचा वो पचा, ठीक। इसके अलावा ये जो पाचक ग्रंथियां हैं, ये है अग्नाशय। ये कौन सा भाग है, ये ही अग्नाशय है, ये अग्नाशय है। यहां से भी निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं, ये भी भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। पेट में भोजन का पाचन हुआ, जो भी बचा बचा है वो किसके द्वारा पचेगा, वो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के द्वारा निकलने वाले जो पाचक एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा पूरी तरीके से भोजन का पाचन होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज को पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। पूर्ण पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं, उसे कहते हैं अग्नाशय को कहते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ जितना भी भोजन पचा, जो भी बाकी बचा है, वसा, लिपिड्स, मर्द, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी पचा नहीं है अच्छे से, वो अग्नाशय के द्वारा पूरी तरीके से वो पचाने का काम करता है, ठीक। यहां से कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं बचेगा जो अनपचा हो, ठीक। इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, ठीक। तो ये देखिएगा, इसके द्वारा कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, निकलते हैं लाइपेज। लाइपेज किसको पचाता है, वसा और लिपिड्स का पाचन करता है। लिपिड्स मतलब ऑयली थिंग्स जो होते हैं। तो लाइपेज किसका पाचन करता है, कहां से निकलता है, लाइपेज अग्नाशय से निकलता है। किसका पाचन करता है, वसा लिपिड्स का पाचन करता है। एमाइलेज एंजाइम है, कहां से निकलता है, ये अग्नाशय यानी पैंक्रियास से निकलता है। किसका पाचन करता है, मंड स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन कहां से निकलता है, ये अग्नाशय से निकलता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइड में बदलने का काम करता है। इसीलिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये इधर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। काम क्या होता है इसका, ये पित्त को स्टोर करके रखता है। पित्त का निर्माण लीवर करता है और स्टोर कौन करता है, पित्ताशय स्टोर करता है। इसका काम ये होता है, भोजन में जो पेट में भोजन होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है ना। और जो छोटी आंत है वो अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाता। तो ये करता क्या है, पित्ताशय क्या करता है कि जो अम्लीय भोजन होता है उसको क्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है ना। पित्ताशय भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जिससे भोजन का पाचन छोटी आंत में आसानी से हो सके, ठीक है ना। तो पित्ताशय क्या करता है, पित्त स्टोर करके रखता है और ये भोजन को क्षारीय बनाता है। और पित्ताशय के द्वारा जो पित्त होता है, वो पित्त के द्वारा जो है इमल्सिफिकेशन होता है, यानी वसा का पाचन। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, पित्त के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो वसा के पाचन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है, कौन सा ऐसा एंजाइम, ऐसा कौन सा है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन को पचाने का काम करता है, तो वो होता है पित्त। देखिए, पित्त एंजाइम नहीं है फिर भी भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो एंजाइम ना होते हुए भी, ऐसा कौन सा वो है रस है, ऐसा कौन सा रस है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन को पूरी तरीके से पचाने का काम करता है, तो वो हो जाएगा पित्त यानी कि वाइन। अब बात करते हैं, देखिएगा, ये है लीवर, है ना, लीवर है। लीवर यानी कि यकृत। ये क्या करता है, ये पित्त का निर्माण करता है। पित्त स्टोर कहां पर होता है, गॉल ब्लैडर में पित्त का स्टोर होता है, यानी कि पित्त जो है, पित्त का निर्माण यकृत करता है, गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, ठीक। यकृत को ही स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कौन करता है, लीवर करता है, ठीक। तो ये लीवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब यहां पर एक शब्द है बोलस, यहां पर एक शब्द है काइम और एक शब्द है काइल, ठीक है, इसको भी समझना जरूरी है। मुंह में पचा भोजन तो बोलस, ठीक, पेट में पचा भोजन तो उसको बोलते हैं काइम, क्या लिखा हुआ, काइम लिखा हुआ, पेट में बचे हुए भोजन को बोलते हैं क्या, काइम। अब यही काइम कभी कभी उल्टी जब करते हैं तब निकल आता है, जो भोजन होता है उसको बोलते हैं काइम, ठीक। इसके अलावा जो पूरी तरीके से भोजन जब पच गया तो उसको बोलते हैं काइल, क्या बोलेंगे, काइल, ये काइम है और ये काइल है। काइल कहां पर जमा होता है, रेक्टम में जमा होता है, रेक्टम मतलब मलाशय जिसको बोलते हैं, काइल मतलब लेटरिन का दूसरा रूप है ना, जो लेटरिन होती है उसको बोलते हैं काइल, और ये जो काइल होती है ये बिलिरुबिन, ठीक है ना, बिलिरुबिन के कारण हल्की पीली होती है, ठीक। तो ये हो गया मुंह में पचा भोजन तो बोलस, पेट में पचा भोजन तो काइम, और रेक्टम है ना, भोजन का जो अंतिम रूप है, जो अंतिम उत्पाद है पचने के बाद वो क्या होगा, काइल। तो इतना समझ में आ गया होगा, रेक्टम को मलाशय, ठीक है ना, मलाशय में क्या होता है, काइल होता है। इसके अलावा एनस के द्वारा यानी कि गुदा द्वार के द्वारा जो है ये जो लेटरिंग है वो बाहर निकल जाती है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा और भी इसमें प्रश्न बन रहे हैं कि आहार नाल की लंबाई कितनी है, यानी कि माउथ टू एनस आहार नाल की लंबाई कुल है मिला करके है 32 फीट, यानी लगभग 9 मीटर के बराबर होती है। इसके अलावा विटामिन और जल, विटामिन है, जल है या खनिज तत्व तो है, इन सबका पाचन होता कि क्या होता है, तो इन सब का पाचन नहीं होता, विटामिन का, जल का और खनिज का ये पाचन इनका नहीं होता, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये डायरेक्ट सोख लिए जाते हैं, तो इनका पाचन नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये है पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना, बहुत